हेलो गाइस, तो आज मैं करने वाली हूँ अपने वीडियो में सबसे लास्ट में करूँगी, ठीक है, शक्तिमान ब्रांड स्लेट पेंसिल का अनबॉक्सिंग। ओके, उससे पहले आप लोग ये नज़ारा देखो, मेरे घर की खिड़की पे ये बंदर महाराज जी आ गए थे और ये देखो किस तरह का हरकत कर रहे थे। आप लोग ये बताओ कि आप लोग इनको देख करके किसको याद करते हो, ठीक है। ये देखो बहुत सारा स्टॉक हो गया है, लेकिन बस स्लेट पेंसिल का ही स्टॉक हो गया है बहुत सारा। कोई बात नहीं, सबका रिव्यू दूंगी, सबका। सो गाइस, आज मैं बिना नहाए खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत जोर से भूख लग गया है और पापा पूजा कर रहे हैं, इसलिए आओ खाना। जा रही हूँ अब मैं नहाने के लिए, अभी सो करके उठ चुकी हूँ क्योंकि ना मुझे आज दोपहर में मन नहीं कर रहा था नहाने का। अरे जा रहे हैं यार, उठते के साथ तो तुम लोग जया जया चिल्लाने लग जाती है। हाँ तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, ठीक है। और फिर मैं आ गई नहा करके। बहुत लोग फिर से मुझे बोलेंगे कि अनहाइजीन है, शाम में नहाती है, नहाने से पहले खा लेती है। तो या आज मुझे मन नहीं किया, इसलिए मैं शाम को नहाई हूँ और नहाने से पहले खा भी ली, ठीक है। काफ़ी लोग हैं जो ऐसा करते हैं। कल का कमेंट्स पढ़ने के बाद बहुत अच्छा लगा मुझे कि लोग मुझे बता रहे हैं कि सनस्क्रीन क्यों वैसे लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, दो फिंगर से क्यों लगाया जाता है, फोर फिंगर से क्यों लगाया जाता है। मुझे ये सब चीज़ें नहीं पता थी, लाइक हाँ पता था बट एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता था। एग्जैक्ट रीज़न मुझे ये पता चला कि स्किन लूज़ हो जाता है अगर बिना तरीके से लगाओगे तो चलो सही है, बट फिर भी मुझसे नहीं हो पाया तो मैं वैसे ही लगा ली। तो गाइज़ अभी ना मुझे एक वीडियो क्रिएट करना है जो कि वायरल इंस्टाग्राम वीडियो है, ठीक है, विथ ईशा। तो उसी के लिए मैं सामान लेने के लिए जा रही हूँ। पेंटिंग कलर नहीं है, जब बच्ची हुआ करती थी ना पेंटिंग कलर का कलेक्शन हुआ करता था, ये वो, अब तो है ही नहीं, इसके पास भी नहीं है। क्या गुंडा बनेगा तुम भाई? गुंडा बनेगा मतलब क्या स्टूडेंट है तुम? समन बेलाइक, वाई यू आर ऑब्सेस्ड विद दिस, इट्स जस्ट अ कॉम्बो एंड द कॉम्बो इज दिस एंड दिस। भाई कोई भी वेफर्स के साथ ना ये पेप्सी या फिर कोल्ड ड्रिंक क्या सही लगता है? आज हम लोग करने वाले हैं जो इंस्टा पे बहुत जोर से बोल जाता है। सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डू द मोस्ट, अरे हटो ना यार, एक ना वीडियो है जो कि बहुत ज्यादा वायरल है। तो चलो पहले हम लोग ना टी-शर्ट चेंज कर लेते हैं, उसके बाद यार फोटो भेजा रहे हैं हम, क्या बोलते हैं कैसे नहीं होगा टेडा। सो आई एम गोना पुट ऑन माय हैंड ब्लैक की रेड जो मेरे को विश छो। I want blue color and इस पर red color जाएगा, red जाएगा ना, red या फिर बोलो कौन सा? Dark blue भी जा सकता है। मेरे पे जाएगा blue। हाँ तो वो ठीक है। Green कर दे तेरे, नहीं नहीं red ही चाहिए, red या फिर नहीं, हाँ red red red। अच्छा है। बस ये देखो, मैं कंबी लगाऊँ। Full green formal। Let's get start। ये लग तो गया, नहीं लगा मैं कर रही हूँ। वी आर डन, ये देखो कितना टेस्टी टेस्टी, मतलब कितना अच्छा लग रहा है ना। ये टी शर्ट उसका हो गया, ये टी शर्ट मेरा। कैमरा देख के लड़की लोग से ज्यादा लड़का लोग अपना बाल बाल सरियाने लगता है। कहीं देखिए बेड पे बैठ के कौन आटा सानता है, मतलब। सो गाइस, आज के खाने में बना है दल पिट्ठी, ठीक है। आप लोग पूछते हो हमेशा रेसिपी, बट मम्मी आज बिना बताए बना दी, वरना मैं जरूर बताती। बताना था भाभी दल पिट्ठी का रेसिपी, बहुत दिन से सबको पूछ रहा है, बट
और इसके सामने क्या मोमोज, क्या पराठा, क्या क्या छोला भटूरा, कुछ नहीं इसके सामने। दाल वाला पिट्टी और भुजिया और चोखा एंड ये सब्जी, ये प्योर बिहारी डिश है। मनीषा रानी बनाती थी एंड इसको गुजराती में दाल ढोकली बोलते हैं, बट थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होता है ना कि ये मीठा लगता है, बिहारी में मीठा नहीं रहता, ये नमकीन, ओनली नमकीन। लेट मी शो यू समथिंग, सो गाइस टुडे आई एम गोइंग टू अनबॉक्स शक्तिमान ब्रांड का स्लेट पेंसिल, जो कि ऑब्वियसली मीशो से आया है। अभी तक का पार्सल सब टॉप रहा है भाई, टेस्ट टेक्सचर सब कुछ बेस्ट रहा है। वैसे तो मुझे ये बोल के दिया गया है, दिखा के दिया गया है, बोल के नहीं, मतलब वहाँ लिखा हुआ था कि शक्तिमान ब्रांड का स्लेट पेंसिल करीब 7 से 8 था, तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इसके अंदर पैकेट्स होगा, ऐसा लग रहा है शक्तिमान ब्रांड का स्लेट पेंसिल को खोल के दे दिया गया है या फिर पता नहीं जो भी। वैसे तो मैं पहले मुझे एक्सपेक्टेशन रहता भी नहीं है, बट बाद में बहुत अच्छा निकल जाता है, तो चलो इसको देखते हैं। और हाँ, मैं ना बटर ग्रे और स्लेट पेंसिल का तो अनबॉक्सिंग कर दी हूँ, अब नकुमट का ऑर्डर दे चुकी हूँ मीशो से। बटर ग्रे और नकुमट में आसमान और ज़मीन का फर्क होता है, ठीक है। तो अब नकुमट आएगा कुछ दिन में, तो उसका आप लोगों को रिव्यू मिलेगा, ठीक है। और हाँ, इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो कर लो जल्दी से, और लिंक वहाँ पे मांग लेना। भाई तुम लोग कितना ज़्यादा डेस्पिरेट थे इस चीज़ के लिए, दीदी लिंक, दीदी लिंक। मुझे ना कम से कम 20 से प्लस ज़्यादा मैसेजेस आ चुके हैं कि दीदी लिंक दीजिए, मैं सबको लिंक दे भी दी हूँ, तो ठीक है इसको अनबॉक्स करते हैं। ओके, घर में डांट सुन रही हूँ क्योंकि जितना अनबॉक्सिंग कर रही हूँ ना, उतना प्लेट्स ला के किचन से मैं फंसा दे रही हूँ इधर। तो जब तक मेरा चैनल ये मोनेटाइज नहीं हो जाता है, तब तक मैं रिव्यू वीडियो ही बनाऊंगी, और जैसे ही मेरा चैनल मोनेटाइज होगा ना, फिर आएगा क्रंच वीडियो, जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत कुछ सोच के रखी हूँ कि क्या क्रंच करना है क्या नहीं। One, two, three, four, five. 5 पैकेट्स का मुझसे कितना लिया गया है, रुको। 2 इसका प्राइस मैं बताती हूँ आप लोगों को। तो गाइस इसमें 8 स्लेट पेंसिल दिखाया गया था, 210 का, बट इसमें मुझे 5 पैकेट्स मिले, ठीक है। तो इसका कुछ ऐसा है, 1 2 3 4 5, बार बार गिन रही होता कि मैं गलत ना हो जाऊँ कि दीदी आप ही गलत बता रही हो, 7 ही है, बस ये अच्छा निकल जाए। कभी तो ऐसा स्लेट पेंसिल निकलो कि मैं देखूं एंड वाओ कितना अच्छा शेप है। मुझे कैसा स्लेट पेंसिल अच्छा लगता है मैं बताती हूँ, हल्का लंबा रहना चाहिए, ठीक है, और एकदम पतला होना चाहिए। मुझे ना स्लेट पेंसिल का थिकनेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ये देखो ये इतना थिक लग रहा है, नहीं इसका हाफ रहता ना मज़ा आ जाता। क्योंकि ना एक बात, एक फैक्ट बता रही हूँ, स्लेट पेंसिल जितना ज़्यादा पतला रहेगा ना उतना ही ज़्यादा क्रंची रहता है, मैं तो ये नोटिस की हूँ हमेशा, ठीक है। तो ऐसा ही है, चलो अब इसको अनबॉक्सिंग तो हो गया ना, ऐसा ही है सारा पैकेट, तो चलो इसके फ़ोटो ले लेते हैं थंबनेल में लगाने के लिए और फिर इसका रिव्यू देते हैं। और हाँ, टेस्ट के लिए आप लोग चले जाओ मेरे न्यू चैनल पे। ओके, लेट्स टॉक अबाउट देयर क्वांटिटी। तो अगर बात करें ना, तो क्वांटिटी सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ, ये देखो कितना अच्छा है, एक पैकेट्स में अच्छा खासा क्वांटिटी निकला। एंड क्रम्बल्स भी हैं, 1 4 5, मतलब यही है, बाकी सब क्रम्बल्स ही हैं, इतना ही जॉइंट निकला है। ओके, टेस्ट के लिए न्यू चैनल। सो गाइस मैं टेस्ट भी कर चुकी हूँ, तो यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को जो वो चैनल पे नहीं जाते हैं, शक्तिमान का ब्रांड का स्लेट पेंसिल का टेक्सचर बहुत ज़्यादा अच्छा था, बट टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, बट ऑल ओवर ठीक ही बोल सकते हैं।
उतना ज़्यादा कुछ खास नहीं लगा। ये वाला पार्सल को मैं ऑल ओवर रेट करना चाहूँगी 7.5 out of 10 एज अ टेस्ट, बट एज अ टेक्सचर 9.5 out of 10। ओके, तो अभी कुछ क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी और फिर स्किन का रूटीन करूंगी और फिर चली जाऊंगी सोने के लिए। सो गाइस 12:30 बज रहा है जिसका मैं वेट कर रही थी, क्योंकि बहुत दिन पहले मुझे ना कोई चैलेंज दिया था कि ना तुम, क्योंकि रूम में अपने अकेले रहती हो ना, तो तुम ब्लडी मैरी वाला चैलेंज करना। वैसे तो मुझे करने नहीं आता है, बट कैसे किया जाता है, कैंडल लेकर के किया जाता है ना, तो मैं कैंडल उतना ज़्यादा रिस्क नहीं लूँ, क्या पता कोई सच में आ गया तो ना मिरर में मुझे ये बोलना है ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी ब्लडी मैरी बहुत बार बोलना है। ठीक है, चलो ट्राई करते हैं। ठीक है, देखो मिरर में भी कोई भी नहीं है। ठीक है, और अगर मुझे कुछ होता है तो पता नहीं। हैंड वी कैंडल ब्लडी मैरी कितने बार ब्लडी मैरी। ओ भाई खिड़की भी खुला हुआ है, रुको बंद कर देती हूँ। देखो भूत भूत कुछ नहीं होता है, नेगेटिव वाइब्स होता है, आत्मा होती है, ये सब मेरे को पता है। अब अगर भगवान होते हैं तो भूत भी होंगे ऑब्वियसली। चलो करते हो ब्लडी मैरी कुछ भी नहीं हुआ। अब कल कैंडल लेकर के करूँगी, ठीक है, देखती हूँ क्या होता है, कुछ होता है या फिर नहीं। ठीक है, फिलहाल तो मैं जा रही हूँ सोने के लिए। बाय, गुड नाइट।